उज्जैन जिले की महितपुर तहसील में किसान हो रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा है उन्हें फसल बीमा। उज्जैन जिले की महितपुर तहसील में ही निवास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान और वर्तमान में विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र महितपुर में पर उनके विधानसभा क्षेत्र के अन्नदाता बेहद परेशान हैं और यह परेशान किसान शासकीय ऑफिस जनप्रतिनिधियों के समक्ष पहुँच रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं, किंतु सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई मदद मिल रही है। किसान बेहद परेशान हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय किसानों के हित में कई फैसले ले रही है, पर जमीनी हकीकत यह है कि महितपुर तहसील के किसान इस समय बेहद परेशान हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की अगर बात करें, महितपुर तहसील के से ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और ये जो ग्रामीण है, महितपुर तहसील के जो विधायक हैं बहादुर सिंह चौहान है, वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ हफ्ते पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है और इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर जो है संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र से जो है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले भी इन किसानों ने जो है पूर्व में लिखित में शिकायत की थी, समस्या बताई थी कि हमारा जो है फसल का जो बीमा है वह नहीं मिल रहा है और अलग अलग तरीके से इनका पैसा रुका हुआ है। इन्होंने अपनी प्रीमियम अपनी राशि जमा की थी, पर अभी तक इन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है, बताइए भैया क्या नाम है आपका? सर बीमा भी नहीं आया सोसाइटी में। सर आज से 8 महीने पहले हमने सर चना बेचा था सोसाइटी में चिताउसगढ़। हम महितपुर तहसील के 22 किसान हैं सर, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिसका हमने चक्कर नहीं काटा है। हर अधिकारी से मिल लिया है, विधायक जी से भी एक बार मिले थे हम, सांसद जी से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब को वहाँ हेलीपैड पर गए थे, हेलीपैड पर सांसद जी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, कलेक्टर साहब ने हमने को रोका, रोकने के बाद में उनने बोला कि आपका 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो हम आप कोठी पर आकर धरने पर बैठ जाना। सर आज हम तो देखा किस प्रकार से किसान बता रहे हैं कि जो है क्षेत्रीय जो विधायक हैं बहादुर सिंह चौहान जी, उनको भी समस्या से अवगत करवाया था, उनको भी बताया गया था, पर अभी तक इन किसानों की सुनवाई नहीं हुई है और इनको अभी तक इनका पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ और ग्रामीण मौजूद है, किस प्रकार से वह परेशान हो रहे हैं और करीब जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर से इन किसानों को अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? हरमेंद्र सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सावित्री मध्य प्रदेश। किसानों की समस्या ये है कि चने का पैसा अभी तक किसानों को मिला नहीं है, जो 8 से 10 महीने हो गए लगभग, और जीवन यापन करने में समस्या हो रही है। किराना वाले को पैसा देना है, कीटनाशक वालों को देना है, बैंक का पैसा देना है, जो अतिरिक्त चार्ज लगता है। इस कारण से आज सभी किसानों के साथ में आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपित करना है जिसमें इनकी समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। तो देखा जहाँ एक और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा, किसानों की समस्या का निदान किया जाएगा, किसानों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा, बाकी जमीनी हकीकत में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहादुर सिंह चौहान के ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की स्थिति इस समय बेहद खराब है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।